थोड़ा का भाई पता चलेगा। ये तो भाई जान से मार देगा अगर ज्यादा पास जा लिया। इसके अंदर चुप गया ओए ओए रेड किंग ये चला ओए ओए आली आली। सो हे गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय चैनल त्रिलोक। सुबह सुबह भाई रेड किंग को लेकर आता बाहर गली में सामने चिंटू गैंग खड़ी। रेड किंग भाई चिंटू गैंग को ही देख रहा। लो भाई सामने से कोको भी आ गई मटकती मटकती और गाइस इसके पैर में थोड़ी चोट सी लग रही। तो गाइस अभी रेड किंग को अंदर छोड़ दिया और गाइस एक गुड न्यूज है अभी भाई मेरे पास उज्ज्वल आ रहा था और गाइस थोर की रील दिखा रहा। दिखाइए एक बार ये देखो भाई थोर की रील। इसकी भाई आईडी का पता करते हैं कौन है। ये देखो भाई थोर की रील डाल रखी। अब तो भाई पता चल ही जाऊंगा थोड़ी बहुत जान पहचान निकालते हैं और गाइस चलेंगे इसके पास। और गाइस रोको देखो हमारा कैसा लोट लगा रहा। तो गाइस अभी बच्चे आ रहे थे मिलने के लिए। क्या नाम है तुम्हारा? कोको के भी लगा ला कुछ नहीं कहने दोनों के दोनों पूरे फ्रेंडली है। और गाइस सामने देखो भाई चिंटू कैसे लोट लगा रहा। ले भाई चिंटू ऐसा नहीं भाई ओसो खबर इन्ना पा वो पी रखा 70 वाला गंतरे का तेरी गल बैठ के तो भी आता। तो गाइस अभी ना दोगा ऑल सेट और गाइस उम्र से कम लग रही होगी बिकॉज़ भाई डैडी कटवा ली। डैडी तो खैर मेरा थी नहीं हल्की हल्की थी वे भी कटवा ली बाल कटवा लिए। अच्छा फिर भाई आगे सो गया था 1.5 घंटा। अब जाकर उठा अब भाई चलता हूँ डीजी के पास। ये घूम रहा हमारा सिम्बा ये घूम रहा हमारा रोक रेड किंग भाई इसके अंदर खड़ा। सोच रहा भाई डीजी के पास जाने से पहले रेड किंग को खुला छोड़ दूंगा। यो भाई तेरे सिम्बा के साथ खेल लगा। लो भाई रोक तो पहले जा लिया नीचे भाई कोई दिक्कत नहीं है। रेड किंग को बाहर निकालता हूँ। आ जा भाई रेड किंग जीते इसके बाहर आते देखना भाई सिम्बा कैसे खुश हो जाएगा। यो बाहर आया सिम्बा भाई अंदर जा लिया। केज के अंदर तो भाई इनका सभी का बढ़िया मन लगे। अगर वैसे बांध दू भाई चैन या फिर संकड़ से फिर तो भाई चिल्लाने लगे बट भाई केज के अंदर तो आराम से बैठ जा। भाई रेड किंग जीते इस साइड आ जा। आ गया आ गया। और गाइस सुबह से थोर का पता कर रहे थे। थोर का भाई पता चलेगा थोड़ी देर में बताऊंगा भाई क्या सीन है उसका। चल का भाई एक बार डेजी से मिलता हूँ और गाइस भाई पे बताऊंगा क्या सीन है उसका। मेरा एक मन कर रहा रोक को अपने साथ ले जाऊं डेजी के पास बट भाई क्या पता डेजी अटैकर हो रही हो इस वजह से एक मन कर रहा कि रोक को ना ले जाऊं। ओए रेड किंग यहां को आ जा टायर के पास जा लेता क्या पता भाई ग्रिप लगानी सीख जा। मुझे भाई सिखाना नहीं ग्रिप लगाना। रेड किंग की ग्रिप भाई बहुत तगड़ी है मैंने भाई देख रखी सी ग्रिप। डॉग तो अगर भाई से कोई छेड़ दे ये मानो खत्म कर दे। जा लिया भाई ऊपर जा लिया वापस गया। और गाइस रेड किंग हमेशा मेरे पास रहेगा इसकी भाई स्टोरी बताऊंगा क्यों रहेगा मेरे पास वहीं पे चलकर बताऊंगा। लो भाई सिम्बा भी आ गया रेड किंग का दोस्त। अब भाई बढ़िया मन लग रहा है दोनों खेल ले जाऊंगे। गेट खुलते देखना सामने रोका हुआ बैठा हुआ बैठा भाई सामने। तो गाइस आगे डेजी के पास और गाइस सीधा डेजी के पास गया था बहुत कड़ा काम कर दिया था मेरे साथ तुरंत वाक अटैक करा। क्या बोला तू? अलग ही झलक भाई जाकर दिखा तू जब तो भाई मैं शूट नहीं कर पाया। ये देखना भाई पास जाती कैसे गई। ओ भाई साहब ये तो भाई जान से मार देगा अगर ज्यादा पास जा लिया। खत्म डेजी क्या हो गया बस डेजी बस बस डेजी बस तो भाई पूरी एग्रेसिव पूरी और गाइस थोड़ी देर पहले मैं ऐसे ही घुस गया इसने भाई मेरा पैर पकड़ लिया होता अब तो भाई मैं थोड़ा दूर से जूम कर रहा। मुझे लग ही रहा था भाई बच्चे देने के बाद अगर ऐसी हो सका मेरे पास शेर आ गया और गाइस आज तो इसके ऊपर भी अटैक कर देता। इसे भाई अच्छे चेक करते हैं दांत वहां तो नहीं लग रहा क्योंकि भाई एकदम से गर्दन पकड़ ली थी इसकी वरना भाई इस वाले पप्पी का तो सबसे ज्यादा लगाव करे थी। और गाइस जिसको मैंने डेजी दे रखी उसका तो भाई बुढ़का भर भी लिया उसने उंगली में दिखाएगा मेरा। तो गाइस अभी जैसा तैसा करके डेजी को बाहर ले खान लग रहे मैं तो भाई यहीं पे खड़ा हो गया वे ले खान लग रहे जैसा तैसा करके। इस पहले पप्पीज को ले आए पप्पीज को दिखा के फिर भाई डेजी भी आ गई। अब भाई से थोड़ा अलग अलग होते हैं वरना भाई अटैक कर देगी। डेजी बस डेजी बस डेजी बस डेजी एक बार हाथ में आ जाए तो इसके पप्पीज का तो भाई हाथ लगाने की हिम्मत भी नहीं है मेरी पूरा एग्रेशन कर रही और गाइस अब थोर का सीन बताता हूँ क्या सीन हुआ। मैं तो भाई सोच रहा था थोर चोरी हो गया बट भाई थोर चोरी नहीं हुआ थोर भाई सेल कर दिया जिसको भाई मैंने दे रखा था ना उन्होंने भाई सेल कर दिया क्योंकि भाई मैंने सुबह पता कर था जिसके पास अब थोर है ना उससे मेरी बात हुई थी कह लगे कि हम तो खरीद कर लाए। अब भाई यहाँ पर वो लड़का भी नहीं जिस लड़के को भाई मैंने दिया था उनके घर वालों ने भाई सेल कर दिया इस वजह से भाई मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहा बट भाई ये है कि आज के बाद मैं अपना कोई भी डॉग फ्री में देने का क्योंकि भाई एक तो फ्री की चीज कोई कदर नहीं करता। जैसे भाई राइडिंग मेरे पास आ गया ऐसे भाई थोर का सीन हुआ थोर भाई उन्होंने सेल कर दिया 2-4 पैसों के लालच में। वैसे भाई मैं थोर से मिलना जाऊंगा देखूंगा भाई की कंडीशन अगर भाई उसकी कंडीशन ठीक हुई फिर भी भाई कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि भाई मैं तब भी अपने पास नहीं रख पाऊंगा। वैसे भाई मुझे लग रहा है उसकी कंडीशन ठीक ही होगी क्योंकि भाई जो पैसे लगा के ले जाए ना चीज वो भाई उस चीज की कदर करे बात तो सही है। इसी वजह से भाई मैं रेड किंग को भी किसी को देने का क्योंकि भाई रेड किंग को अगर मैंने सेल कर दिया तो गाइस वो फाइट के लिए यूज करा जाएगा पक्का 100% अगर भाई मैंने किसी को फ्री में दे दिया भाई फ्री की चीज कोई कदर नहीं करता। स्टार्टिंग में तो भाई सब कह रहे हम ध्यान रखेंगे बट भाई बाद में कोई नहीं करता। थोड़े बहुत दिनों में थोड़े से मिलवाऊंगा आप लोगों को और गाइस मैं भी चलकर मिलूंगा भी देखूंगा कि मुझे जाने का अभी। तो गाइस डेजी को देखो तसला उठा रही थी मुंह में या भाई यहाँ पर शायद कंफर्टेबल फील नहीं कर रही भाई अंदर छोड़ सकते हैं। हाँ क्या हो गया डेजी? तो गाइस अभी एक और पिटबुल की फीमेल आ गई थी डेजी के पास ही बट भाई से थोड़ा अलग कर रखा डेजी से। तो गाइस अब घर वापस चलता हूँ अपने डॉग से मिलता हूँ ना लाऊंगा घुमा फिरा के घर पर और गाइस सबको देखो भाई कैसे लाइन लगा के बैठे। तो गाइस अभी सोच रहा रेड किंग घुमाने लेके चलते हैं और गाइस तीनों को देखो भाई कैसे खड़े गेट में। कोको को भाई इस वजह से लेकर जा रहा क्योंकि भाई के पैर में चोट लग रही और गाइस रोक का थोड़ा रेस्ट चल रहा समझ रहे हो बैठ कर आराम से। चिंटू को देख रहा चिंटू खड़ा ना भाई गली में रेड किंग आते देखना भाई चिंटू तो बिल्कुल गायब हो जाएगा भाई यहाँ पर चिंटू खड़ा जब भाई रेड किंग होगा फिर देखना कहीं दिखने का। तो गाइस आ गया हमारा रेड किंग बाहर और गाइस देखो चिंटू भाग गया गया वो जा लिया भाई पहले ही। तो गाइस फाइनली आ गए खेत वाले रास्ते पर रेड किंग को लेकर और गाइस चिंटू पीछे पीछे नहीं आया। वैसे तो भाई मेरी बाइक स्टार्ट होती बाइक के पीछे पीछे आने लगा बट भाई आज नहीं आया पीछे पीछे समझ रहे हो और गाइस रेड किंग को अभी नीचे नहीं उतार रहे बिकॉज
बस भाई सामने डॉग खड़े एक तो भाई खड़ा। इस अब एक बार से फ्रेश वगैरह करवाता हूँ फिर बाइक की रनिंग करवाऊंगा। चार चक्कर लगाऊंगा अपने खेत तक के, धीरे धीरे बाइक की रनिंग बढ़ा देंगे फिर। चलो भाई राइडिंग रनिंग करिए। स्टार्टिंग में भाई थोड़ी हल्की हल्की करवा रहे, फिर भाई थोड़ी थोड़ी स्पीड बढ़ा देंगे। देखना भाई थोड़े दिन बाद कैसा चीता हवा का करेगा। थोड़ी दूर तक इसी स्पीड में लेकर चलेंगे, फिर भाई आराम आराम से स्पीड बढ़ा देंगे बाइक की। और गाइस ये वाली ब्रीड रनिंग करने से बहुत कम थक है, मतलब इनके अंदर स्टैमिना बहुत ज्यादा हो गया अमेरिकन बुल या फिर पिटबुल वगैरह से। ऐसा तो भाई ये वाली ब्रीड भी पिटबुल में ही है, एपीपीटी का मतलब यही है अमेरिकन पिटबुल टेरियर। सामने भाई एक डॉग खड़ा था, देखो भाई कैसा भाग गया, दिख भी नहीं रहा, एक अंदर घुस गया। और गाइस तुरंत पान खड़े हो गए रेड किंग के। ओए ओए देखो भाई, ओए खड़ा यूरा पिल्ला पर भाई, तो ले ले इसके अंदर छुप गया। ओए ओए रेड किंग भाई इसके अंदर घुस गया था। रेड किंग नहीं, ओए 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 रेड किंग नहीं, अच्छा हटा नहीं, एक बार हाथ में आ जाए तो। इसके अंदर घुस गया भाई वो। और गाइस इसी वजह से मैं ऐसा खुला नहीं छोड़ रहा था, देखो भाई डॉग दिख गया बट भाई वो तो इसके अंदर घुस गया। और रेडिंग रनिंग करिए नहीं, यो साइड साइड ढूंढ रहा हूँ भाई, आगू निकल का भाग गया होगा। हाँ बाहर आ निकल गए रेड किंग, देखना भाई कैसा पागल हो गया। रनिंग करिए आजा, नहीं सारा ध्यान इसका डॉग पे जा लिया, देखो भाई इसका भी सारा ध्यान पीछे को ही है। रेड किंग आजा रनिंग कर ले, अगर भाई सा खुला छोड़ दे फिर तो भाई पूरी स्पीड से भागे, बट भाई बंद कैसा थोड़ा बंधन सा लगे, लेकिन भाई बांधना ही मजबूरी है, अगर ना बांधते जो थोड़ी देर पहले डॉग दिखा था ना उसके साथ भाई फाइट हो जाती थी पक्का। वैसा भाई अपने खेत से तो आगे निकल गए, और थोड़ी आगे से मोड़ लेंगे बाइक, अभी सोच रहे थोड़ा लंबे चलते हैं आगे को निकल के भाई बड़े स्कूल में चलेंगे, हमारे यहाँ पर सरकारी स्कूल है उसमें बहुत बड़ा ग्राउंड है इस साइड, वहाँ पर चलेंगे बाइक की रनिंग करवाते करवाते। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और भाई सब तो इसकी ऑटोमेटिक स्पीड बढ़ना स्टार्ट होगी। वैसे भाई हम बाइक पूरी स्पीड से नहीं भगा रहे क्योंकि भाई हमें थोड़ा थोड़ा इसका स्टैमिना बनाना, जब भी भाई इसकी कटिंग आओगी निकल के। वैसे भाई इतनी दूर तक तो मैं पहली बार यार रनिंग करवाता करवाता, अब भाई आंखों निकल के बड़े स्कूल में चले जाएंगे। आ जा भाई रेड किंग। तो गाइस दूसरे गांव में तो आगे भाई रनिंग करवाते करवाते, वो भाई सामने दूसरा गांव है, हमारा गांव भाई साइड है, वहाँ पे जाकर भाई पहले तो ये देखेंगे ग्राउंड खाली है क्या, पता भाई लड़के रनिंग कर रहे हो, अगर भाई ग्राउंड खाली पाया जब करवाऊंगा इसकी रनिंग। सब ऐसा लग रहा है जैसे भाई राइडिंग रनिंग करने में मजा आ रहा हो, देखना भाई कैसे पीछे दुराटे काटते हो, चल रहा चल नहीं रहा ही मैंने भाग रहा, समझ रहे हो। तो गाइस फाइनली आगे सरकारी स्कूल पे, बट भाई सामने बुक गेट रही भाई सामने से भाई डॉग की पूरी फौज आने लगी, भोकती भोकती वो तो शुक्र है भाई बांध रखा हुआ है। ओए सारे के सारे आ लिए भाई, ऐसा भाई आगे लिया ही निकाल गए सारे के सारे डॉग भाई, अब भी आ रहे इसका पीछा करते करते। वैसे भाई इतनी दूर तक तो आ गए बट भाई कुछ फायदा नहीं हुआ का, अंदर भाई बच्चे खेलने लग रहे। और गाइस ऐसी रोड पर हम भगा नहीं सकते, पैर वैर छिल जाएंगे इसके, देखो भाई सामने खेलने लग रहे, बाइक को भाई वापस ही घुमा लिया अपने वाले रस्ते पे चलते हैं। और गाइस रोड पर बहुत आराम आराम से बाइक चला रहे थे, क्या पता भाई पैर वैर छिल जा, सामने भाई डॉग आने लग रहे थे भाई वो तो शुक्र है भाई इसका ध्यान लगाया उनके ऊपर, वरना भाई किसी ना किसी का तो ग्रिप लगी जाती है आज। और गाइस इनके चक्कर में बाइक वैसे टूट गई मेरी, एकदम से बाइक कट की आवाज आई थी, कहां से टूटी रहा है या टूट गई भाई, चलो कोई नहीं करवाते हैं इसकी रनिंग। हाँ भाई रेड किंग। और गाइस इस बार इसकी तेज रनिंग करवाओगे पूरी स्पीड से लेकर चलेंगे, थोड़ी आगे जाकर खुला छोड़ते हैं क्योंकि भाई आगे जाकर डॉग नहीं है थोड़ा भाई यहीं पे दिक्कत है, रोक ला बाइक रोक ले। आ जा भाई रेड किंग, बस तू कहीं इधर उधर ना भाग जाइए ठीक है, अब देखना भाई खुलने के बाद क्या बढ़िया रनिंग करेगा, देखना भाई क्या तुरंत काट दो भाग रहा। तो गाइस एक बार इसकी रनिंग करवा दो फिर मिलता हूँ, अब भाई इसका सूट लगवाते हैं मतलब तेजी से रनिंग करवाऊंगा इसकी, समझ रहे हो, काफी लंबी रनिंग होगी। रेड किंग रुक 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 दे, पैर दिखा अपने पैर देख लेता हूँ भाई, वैसे भाई पैर वैर तो नहीं छिले, अब भाई इसका सूट लगवाते हैं, पहले तो भाई साहब बांध का लगा घुमा रहे क्योंकि भाई काफी लंबी रनिंग होगी थी ना। और गाइस सूट बांध का लगवाओगे, सूट का मतलब भाई पूरी स्पीड से रनिंग करवाऊंगे तू समझा। तो गाइस लगवा दिया सूट, और गाइस पीछे देखो भाई धूल ही धूल होगी, और गाइस अंधेरा भी हो गया। वीडियो का एंडिंग भी यहीं पे करता हूं, भाई साहब घर पे लेकर चलूंगा, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करे शेयर करे कमेंट करे, और गाइस लास्ट में सब्सक्राइब और कर देना।